Hi guys, welcome back to my channel. Today's video is all about how we celebrate Kartik Purnima this year. So let's get started. Kartika Purnima Odisha का एक बहुत ही famous festival है जो कार्तिक महीना के last दिन में मनाया जाता है. कार्तिक पूर्णिमा भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिक के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है. इस दिन भगवान कार्तिक की पूजा होता है और ये महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है. कार्तिक पूर्णिमा के दिन भोर में उठकर सब लोग नदी या तालाब के किनारे दीपदान करने जाते हैं. ये प्रथा बहुत ही शुभ माना जाता है. इस दीपदान प्रथा को बोइत बंधन भी कहा जाता है. इस प्रथा के अनुसार पूर्व काल में जो लोग बाहर देश में व्यापार करने जाते थे उनको बंधापना किया जाता है. दीपदान खत्म करके सब लोग मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं. Thank you.
आज मेरे दादाजी का श्राद्ध वार्षिक है, तो इसके लिए पिंडदान किया जा रहा है। आपोदाहृते नित्य घं लक्ष्मी मृते सर्वदा यो नमः धूपलगा ओम वस्तुहे तस्य ओम पुष्पहे। अभी श्राद्ध में खाना बनाने के लिए तैयारी हो रहा है। यहाँ पे सब्जी काटा जा रहा है और खीर बन रहा है। मंदिर में जो पूजा हो रहा था वो अभी नगर परिक्रमा करके कुंभ विसर्जन करने के लिए आए हैं। ये पूजा कार्तिक पूर्णिमा के 2 दिन पहले से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा के शाम को ख़त्म होता है।
अरे सेडर नुआ बात सीखो।